गिरते फूल झोली में कर्म की साख से उसको हराना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। और मैं देख रहा हूँ कितनी नायाब ऑडियंस है और लगता है मैं दिलवालों के बीच में हूँ। रॉनी भाई, दिलीप भाई दिलवालों के बीच में, आखिर दिल कहाँ मिलते हैं? बहुत मुश्किल से मिलते हैं, किसे अपना कहें। रॉनी जी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, रॉनी जी प्लीज आप मंच पर आइए कृपया करके। और रॉनी साहब आपकी उपस्थिति के बिना यह मंच अभी अधूरा है, कृपया मंच पर आइएगा। जी हाँ जी हाँ, स्वागतम सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप प्लीज मध्य में आइएगा। योगी राज जी को भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही। योगी राज जी, कॉर्पोरेटर योगी राज जी, कृपया आप मंच पर आइए। हमारे बीच राजनीति और प्रशासन से इतने अग्रज अग्रणी जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगी राज जी कृपया आप भी मंच पर आइए। बहुत बहुत ही खुशी की बात है हमारे बीच। The leaders, the legends in different fields, all under one roof. Sir. Present here today, ladies and gentlemen, और खास तौर से राजनीति के क्षेत्र में जहां महिलाओं का दखल थोड़ा कम माना जाता है, कम है, लेकिन भारती जी के होते हुए हमें लगता है कि वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है। हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपके माध्यम से राजनीति में हो रहा है। भारती जी, हम सब गौरवान्वित हैं आपको आज यहाँ पर अपने बीच पाकर। सारे कलाकार यहाँ पे मौजूद है, आप सबको हम सलाम करते हैं। यहाँ पे हमेशा प्रोग्राम होते रहते हैं और हम आते जाते रहते हैं। ये वास्तु बहुत ही पवित्र है और इसके लिए हम लोग हमेशा बैठे हैं। ये वास्तु खड़ी रहने के लिए बहुत सारे कलाकारों ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, उन सबको भी मैं सलाम करती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भारती। कितना बड़ा मंच बन जाता है। ये सारे लोग जो इस समय मंच पर उपस्थित हैं, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में इतना अग्रणी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं देवी और सज्जनों, ये कार्य ये कैसे कर पा रहे हैं? जो इनके अंदर का जोश है, जज्बा और जुनून है,
एक शेर में पढ़ना चाहती हूँ इन सबके लिए। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, इन्हें भी जिद है वही आशियाँ बनाने की। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, इन्हें भी जिद है वही आशियाँ बनाने की। के आंधियों में जल के हमारे बीच है टीना भाई जी, भारती लावलकर जी, दीपक तिजोरी जी, अली सर हमारे बीच है, चंद्रशेखर जी। In today's times to collect so many people together under one roof, and that can be done only and only by Raju Tanji. तालियां बिल्कुल दिल से बजाइए, जोरदार बजाइए जो जहां। कितना proud feel हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? Okay, I came here. आया था इधर तो उन्होंने बोला सर आपको सम्मान करता है, बेसिकली ओरिजिनल ऐसा तो मार्केट में आपको तो पता है कितना दादा साहब पालने चल रहा है नाम तो फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ है ओरिजिनल, उनका ग्रैंडसन भी प्रेजेंट है। तो आई थिंक सर आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, आप किससे इंस्पायर होते हैं? मैं गरीब लोग से इंस्पायर, क्योंकि वो दुआ देते हैं ना, बड़े लोग तो प्रोफेशनल रहते हैं। सिनेबस्टर अभी भी चल रहा है सर का एक है सर, हमेशा जो तकलीफ में है या जो जेन्युइन पर्सन है उनको हमेशा हेल्प करते आए। कीर्ति सर आप कितना मोटिवेट होते हैं सर से, जिस तरह से बहुत सर देखने में बाजू में खड़ा आज के बारे में और लास्ट वीक में सर के साथ सिंगापुर में था, बहुत मोटे होते 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 सर। क्या क्या प्रोजेक्ट है आगे अगर शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ? प्रोजेक्ट फॉर द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आते हैं आपको इतला की जाएगी। सर फिल्म प्रोड्यूस करने का कोई प्लान है अगर शेयर करें, और कौन से एक्टर के साथ? बेसिकली देखो राजू जी जो है उनके कोई फैमिली फ्रेंड है, जब मेरा लंदन में पूरा स्टाफ का टूर था उन्होंने इंडियन खाना वहाँ से भिजवाया था घर पे, पूरे स्टाफ 40 लोगों को, तो जो अन्न खाता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए किसी का। क्या बात है, उनको बोला जब भी एनी टाइम यू रिक्वायर एनी हेल्प आई एम देयर, क्योंकि वो मेरे स्टाफ को भी खिलाए हम भी खाए मेरे बच्चे भी खाए। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जो आप काम कर रहे हो उसका नाम बता सकते क्या कुछ है? सर दैट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस, अभी शेयर बाजार में जाके तो पूछोगे ना सर आप क्या चल रहा है, वो तो ट्रेडिंग बिजनेस है। एजुकेशन की सब बात करें तो आप एजुकेशन में काफी कुछ करते हैं, सॉरी एजुकेशन की भी सब करते हैं काफी काम इंस्पायर करने का एजुकेशन में क्या इन एजुकेशन सेक्टर दो सेक्टर है डिफरेंट बस। देखो हमारे पास जो जुड़े अच्छे से मेहनत से काम किए इसलिए तो कीर्ति को डायरेक्टर बनाया उसका। क्या बात है, आप लोग सब लोग आए थे पीपीसी एफएस यानी पीपीसी एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ओपनिंग पे आप लोग आए थे, काम जोर जोर से चालू है। हम लोग उन लोगों को हेल्प करते हैं जिनको फाइनेंशियली वीक रहते हैं और जिनको बाहर स्टडी करने का मौका दिया जाता है, और उनको हर तरह से हमारे तरफ से अंडर वन रूफ और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग हमेशा उनको हेल्प करते हैं। तो आप लोगों के पास भी कोई रहेगा एलिजिबल स्टूडेंट तो हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं। सिनेबस्टर आज की डेट में वन ऑफ द टॉप मैगजीन में आ रहे हैं, जो रॉनी साहब किसी पे भी हाथ डालते हैं किसी भी जगह पे हाथ डालते हैं तो हिट जगह पे उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या अभी कीर्ति जी ने बोला कि फंडिंग की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स की हेल्प करने की बात कर रहे हैं, तो जो भी करते हैं एक क्लास करते हैं। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज यहाँ पर, बहुत सारे विधायक भी मिले, डॉक्टर भारती लवेकर भी मिले, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आए, मैं बहुत खुश हूँ अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच, आप सब हम लोग हमेशा ये ऑपरेट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं मीडिया में, बहुत खुश हूँ। स्वामी जी फ्रेंड में ये तो हमको इंडस्ट्री की शान और जान है, और इनका जो भी प्रोग्राम होता है माशाल्लाह बहुत चलने के साथ हमेशा इनके साथ है, और जब भी इनका कोई फंक्शन होता है सब लोग बात करते हैं। मैं भी ये बात इसे कंटिन्यूशन में कहना चाहूँगा कि दाल साहब आपके अवार्ड लेने में, मतलब मैं रॉनी जी को, कीर्ति जी को, राजू जी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे कंट्रीब्यूशन को जो है बिग एन एक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉलीवुड, सो आई एम थैंकफुल टू रॉनी जी, राजू जी, कीर्ति जी। थैंक यू सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे सर, यहाँ पर रॉनी सर,
रुकिए खान साहब रुकिए सर रुकिए सर रुकिए सर यहां पे रुकिए सर सर यहां सामने रुकिए सर हमारे सामने सर सामने हां सर हमारे सामने रुकिए भाई कितने सामने ओके रुकिए सर रोनी सर लेके सर इधर 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 फोटो का आपकी कड़िया गिरी है कड़िया गिरी है थैंक यू सर हाँ क्वेश्चन था ही ना।